नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ हैं साक्षी, जिनका दोस्तों आज सुबह हो चुका है कैब जर्नी का ऑनलाइन असेसमेंट। तो दोस्तों ये लास्ट राउंड तक पहुंची थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये अपना पूरा का पूरा टेस्ट पैटर्न बताने वाली है, कहां से इन्होंने प्रिपेयर किया और साथ ही साथ दोस्तों डिफिकल्टी लेवल क्या थी, हर एक चीज बताने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो साक्षी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? Okay, I am Sakshi Sumantra from Satara and I am studying last year of mechanical engineering. Okay, thank you so much, Sakshi. और मैं आपको पहले ही बता दूं, Sakshi is from mechanical branch और mechanical branch होने के बाद ये कैब जर्नी के लास्ट राउंड तक पहुंची। तो साक्षी पहले बताइए कि आज का जो आपका सुबह पेपर हुआ उसका टेस्ट पैटर्न क्या था? फर्स्ट राउंड में सुडो कोड क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चंस थे और 30 मिनट का टाइम था। 10 क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड थे और 15 क्वेश्चन अल्गोरिदम बेस्ड थे। ओके, प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए टाइम कम पड़ रहा था, पर इजी थे क्वेश्चन, बहुत इजी थे। और जो प्लेलिस्ट में दिया था वही किया था मैंने। तो आपने कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो की थी, कौन सी प्रिपरेशन रिसोर्सेस फॉलो की थी आपने? इस चैनल की सभी प्ले 8 वीडियो थे, वो सभी किए थे। उसके अलावा बाहर का कुछ नहीं आया था और इजी था, क्वेश्चन इजी थे, बस टाइम कम पड़ा थोड़ा। सेकेंड राउंड में इंग्लिश में ओके, इंग्लिश में आपने प्रिपरेशन कैसे की और टेस्ट पैटर्न क्या था? 30 क्वेश्चन थे 30 मिनट्स के लिए इंग्लिश में। okay. और दो पैराग्राफ थे, बाकी इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस परीक्षण एंड सेंटेंस सीक्वेंस इससे रिलेटेड थे क्वेश्चन, वो सभी इजी थे। थर्ड राउंड में गेम एप्टीट्यूड बेस्ड थे क्वेश्चन, जो प्ले लिस्ट में थे वो वही वही गेम थे और बहुत इजी थे। ओके, तो साक्षी एक बात बताइए, जो सेकंड राउंड था इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, इसकी आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? अभी कल जो आपने वीडियो डाली थी उसमें जो लिंक दिए थे उसी से ही किए था प्रिपरेशन। ओके, तो यार मैं सभी व्यूअर्स को बता देता हूँ, कल जो हमने कंटेंट डाला था वो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करा है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि शी इज फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच होने के बाद इनने सूडो कोड वाला राउंड बहुत ही आसान तरीके से क्लियर किया है। तो आप प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिएगा। तो साक्षी एक बात ये बताइए, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में टाइम क्या था? जैसे आपको 4 गेम्स दिए गए होंगे तो उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या क्या था? इतना तो याद नहीं आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो साक्षी एक बात और बताइए, गेम बेस में आपका जो गेम होता है वो कौन सी लेवल तक आप थे, वा कौन सी लेवल तक पहुंच गए थे आप? एनी आइडिया? फोर्थ लेवल तक तो पहुंच गई थी। ओके, सो साक्षी जस्ट वन मोर थिंग, तो आपका जो गेम बेस के बाद कौन सा राउंड था? बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन। और बिहेवियर राउंड में कितने क्वेश्चंस थे आपके? टोटल 30-40 अराउंड। ओके, सो साक्षी अब आपका टेस्ट तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है और आप पे वर्क स्टाइल रिपोर्ट भी आ गई होगी, राइट? यस। ओके, सो आपने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किया नहीं की अभी तक? अभी नहीं की। चलो ठीक है, आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 2-3 हफ्ते में आ जाएगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, सो आई एम हेयर, लाइक अगर कुछ भी होता है तो आप मुझसे इंटरव्यू के बारे में अभी भी पूछ सकते हो। एनी डाउट डू यू हैव रिगार्डिंग इंटरव्यू? हाँ, मैं ऑल ब्रांच के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस कोडिंग बेस्ड ही होते हैं क्या? नहीं देखो यार, इंटरव्यू जो कैब जर्नी का होता है, अगर आप एक चीज देखो, जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम हुआ है। आप मैकेनिकल के थे, आपसे सूडो कोड पूछे गए, यही चीज आपकी इंटरव्यू में फॉलो होगी। जो इंटरव्यू सीएस स्टूडेंट का होगा वही इंटरव्यू मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए होगा। बट हाँ, इंटरव्यू
रिज्यूमे बेस्ड बहुत होगा, जो भी चीजें आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी होगी उससे भी काफी चीजें आपसे पूछी जाएगी। और मैं उससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अभी डालने वाला हूँ, तो बस यही अपनी तैयारी रखिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने रिज्यूमे को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनी मोर डाउट साक्षी, डू यू हैव? नो। ओके, सो थैंक यू सो मच साक्षी, आपने अपना पूरा रिटन एक्सपीरियंस शेयर किया। होप सो यार ये वीडियो काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प है, सो थैंक यू सो मच। ओके, थैंक।